Assalamualaikum. Today I will discuss about physics first year chapter number 2, topic determination of an angle theta. First of all, to determine the angle theta, okay, we find phi. Firstly, अगर आप लोगों ने एंगल थीटा को डिटरमाइन करना है तो सबसे पहले आप लोगों ने फाइंड करना है फाई को. फाई को किस तरह आप लोगों ने फाइंड करना है? फाई को फाइंड करने के लिए आप लोगों ने एक रिलेशन यूज करना है. फाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स आर आर वाई ओवर आर एक्स. ठीक है, इस रिलेशन से आप लोग किस चीज को फाइंड करोगे? फाई को. अब फाई है क्या? फाई एक एंगल है. ठीक है, एंगल विच मेक, ठीक है, विद नियरेस्ट एक्स एक्सिस बाय आर. ठीक है, देखो डिटरमिनेशन ऑफ थीटा था, एंगल की डिटरमिनेशन थी. आपने याद रखना है एंगल की डिटरमिनेशन के लिए हम सबसे पहले जो स्टेप करते हैं वो क्या करते हैं? हम सबसे पहले फाई को फाइंड करते हैं. फाई को फाइंड करने के लिए हम कौन सा रिलेशन यूज करते हैं? फाई को फाइंड करने के लिए हम कहते हैं फाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स आर एक्स ओवर आर वाई. देन हम कहते हैं कि जो फाई है वो वाला एंगल है जो हमारे पास आर एक्स बनाता है नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ. मैं एक मिसाल देता हूँ आप लोगों को इसके लिए. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट होते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है. अगर हमारे पास जो अब ये एक्स एक्सिस है और ये वाला हमारे पास वाई एक्सिस है. ठीक है, अब आप लोगों ने डिटरमाइन करना है कि फाई एंगल बनता कौन सा. मैं एक मिसाल देता हूँ आप लोगों के पास. फर्स्ट क्वाड्रेंट ये यानी आर एक्स, आप लोगों आर जो है वो इधर है. ठीक है, अब आप लोगों ने कहना है कि फाई कहां बन रहा होगा? फाई बन रहा होगा नियरेस्ट एक्स एक्सिस. अब बताओ ये वाला एक्सिस हमारे पास नियर है या ये वाला नियर है? तो इसके नियर ये वाला है, तो ये वाला जो एंगल बन रहा होगा ये कौन सा होगा? फाई होगा. देन अगर मैं कह दूं कि हमारे पास जो हमारे पास आर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आप लोग खुद गौर करेंगे, खुद रियलाइज करेंगे कि हमारे पास अब ये जो हमारा आर है, ठीक है, अब कौन से एक्स एक्सिस, ये भी एक्स है ना, ये वाला वाई होता है. अब इधर ये करीब है तो ये हमारे पास कौन सा एंगल होगा? फाई होगा. तो यहां से यहां तक जो एंगल होता है वो थीटा होता है. दोबारा सुन लें एक और एग्जांपल के साथ. देखें, मैंने ये बताया फॉर एग्जांपल आपके पास जो आर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो जो फाई होता है ना, फाई वो एंगल होता है जो आर बनाता है नियरेस्ट एक्स एक्सिस. तो अब इसके जो नियर एक्सिस है वो कौन सा है? ये वाला. तो ये वाला एंगल हमारे पास कौन सा होगा? फाई होगा. और जो बाकी रिमेनिंग एंगल होगा वो हमारे पास कौन सा होगा? थीटा होगा. अब हम बात करते हैं असल लॉजिक की तरफ, असल चीजों की तरफ, जिससे हम किसको मेजर कर सकेंगे. देन हमने बात करनी है डिटरमिनेशन ऑफ एंगल की. एंगल की डिटरमिनेशन के लिए ना मैं प्लेन को कंसीडर करता हूँ. ये प्लेन आ गया हमारे पास, ठीक हो गया. एक प्लेन में कितने क्वाड्रेंट बन रहे हैं? 1 2 3 4, फोर क्वाड्रेंट बन रहे हैं. ये वाला एक्स होता है, ये वाला वाई होता है, ये वाला एक्स और ये वाला वाई, ठीक हो गया. अब इनके ना डिफरेंट साइंस होते हैं. आप लोग याद रखना है, अगर आर एक्स पॉजिटिव हो, आर वाई भी पॉजिटिव हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं. अगर आर एक्स नेगेटिव हो, आर वाई पॉजिटिव हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं. आर एक्स हमारे पास क्या हो? नेगेटिव हो, आर वाई भी हमारे पास क्या हो? नेगेटिव हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं. आर एक्स हमारे पास पॉजिटिव हो और आर वाई हमारे पास नेगेटिव हो, तो वो हमारे पास ये थर्ड में और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं. देखें डिफरेंट कंडीशन होती हैं. कुछ बच्चे याद करते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से, ठीक है, कुछ असजना तो चली है, यानी डिफरेंट लोगों ने बनाए हुए अपने, लेकिन मैं जो आपको बताने लगा हूँ वो एक जनरल यानी हकीकत है. हकीकत क्या? ये देखें, इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स नेगेटिव होता है, ठीक है, इधर वाई पॉजिटिव होता है, इधर वाई नेगेटिव होता है. देखें दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में. क्लियर हो गया. अब हम बात करते हैं कि हम एंगल को किस तरह फाइंड करेंगे. एंगल को फाइंड करने के लिए ना मैंने फर्स्ट कंडीशन यही ली, आर एक्स क्या है? पॉजिटिव, ठीक है, और आर वाई भी क्या है हमारे पास? पॉजिटिव. जब आर एक्स पॉजिटिव है, आर वाई पॉजिटिव है, तो उस टाइम जो हमारे पास आर होगा यानी जो वेक्टर होगा रिजल्टेंट, वो हमारे पास किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो आप लोग कहना है उस टाइम वो लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. कब? जब आर एक्स और आर वाई दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव. अब ये वाई है, ये एक्स है. आपको पता है फाई एक वो एंगल होता है जो नियरेस्ट एक्स एक्सिस के बनते थे, ये वाला एंगल कौन सा आ जाएगा? फाई आ जाएगा. तो उस टाइम जो एंगल फाई का होगा वही एंगल किसका होगा? थीटा का होगा. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल आ जाता है? फाई के इक्वल आ जाता है. अब हम बात करते हैं जब हमारे पास आर एक्स नेगेटिव होगा और आर वाई हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा. उस टाइम वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? उस टाइम वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है. अब इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां से देखिए यहां तक जो एंगल बनेगा ना वो तो बन जाएगा थीटा, और जो नियरेस्ट एक्स एक्सिस बनेगा वो कौन सा बनेगा? फाई बनेगा. ये एक्स होता है ना, ये फाई बनेगा.
अच्छा मैं बच्चों को इधर जनरली याद करने का ये तरीका बताता हूँ कि आप लोगों ने लाइफ में याद रखना है, हमने हमेशा एंगल किसे मेजर करना है, एक्स एक्सिस से। इधर देखो आ गया। अब आप लोग खुद गौर करें कि जब हमारे पास वेक्टर इधर है, क्या उसने इसको क्रॉस कर दिया? नहीं किया। अगर क्रॉस कर देगा, अगर इसको क्रॉस कर दे तो ऐड करते हैं, ठीक है। अगर क्रॉस ना करे तो माइनस करते हैं। इधर कितना होता है? इधर जीरो होता है, इधर 90 होता है, इधर 180 होता है और इधर 270 होता है, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी उसने एक्स को भी क्रॉस नहीं किया, यानी 180 को भी क्रॉस नहीं किया, इसलिए आप लोगों पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 5। ये क्यों बना है देखें, अगर डायग्राम के लिहाज से देखा जाए, यानी इधर तक पहुंचने में कौन सा एंगल दरमियान में आ रहा है, 5। तो आप लोग आपके पास रिमेनिंग एंगल कितना रहेगा, 5। 5 को क्रॉस करके आप कहां पहुंच जाएंगे, 180 पे। तो अगर 180 में से 5 निकाल दे तो जो थीटा एंगल होगा वो आपका गिवन होगा। अब हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। अगर आर एक्स भी नेगेटिव हो, आर वाई भी क्या हो, नेगेटिव, देन वो लाई करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक हो गया। तो ये आ जाता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इधर आ गया वो थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए हमारे पास जो थीटा एंगल होगा वो ये होता है थीटा एंगल, ठीक हो गया। अब जो फाई बनता है, फाई बनता है नियरेस्ट एक्स एक्सिस, तो ये वाला तो दूर है, तो जो एंगल फाई का बनेगा वो ये बनेगा, ठीक हो गया। अब देखिए अगर गोल भी किया जाए तो नजर आ रहा है कि अगर आप लोग इधर से ऑनवर्ड फाई को देखें तो हमारे पास जो थीटा है, यानी अगर मैं एक मिसाल लिख के बताता हूँ कि आपके पास थीटा है ना, थीटा किसके बराबर होगा, 180 प्लस 5। इधर कितना था, 180। अगर 180 में 5 प्लस करते तो आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। दूसरे बाद में जो मैंने बताया था, अब वो देखें इधर आ गया, इधर उसने 180 को क्रॉस कर दिया ना, जब 180 को क्रॉस कर देगा तो आप लोग उसमें क्या करोगे, ऐड करोगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं लास्ट वाले की, आर वाई पॉजिटिव और आर एक्स आप लोगों के पास नेगेटिव है, आर वाई नेगेटिव है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो क्वाड्रेंट बनाना है वो इतना क्वाड्रेंट बना लिया, ठीक है। इधर आप लोगों के पास और कोई भी आर वेक्टर प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि सर हमारे पास इधर से लेके इधर तक तो एंगल हो गया थीटा। अब जो नियरेस्ट एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, उसके साथ कौन सा एंगल बनेगा, 5। तो नियरेस्ट कौन सा है, ये वाला नियरेस्ट है, इसके साथ कौन सा बन जाएगा, 5। अब जो दो तीन तरीके हैं देखें, एक तो आपको पता है कि हमारे पास ये इधर से मूव करके गया इधर तक, ठीक है। अभी इधर कितना होता है, 360 होता है, 360 को उसने क्रॉस नहीं किया, 360 को जब क्रॉस नहीं किया तो थीटा किसके बराबर आएगा, 360 माइनस 5। देखें इधर तक जाने के लिए उसे किस चीज को कवर करना पड़ेगा, 5 को। उसने 5 अगर इसमें से निकाल देगा हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। दूसरे अल्फाज में मैंने ये सिखाया था, जब इसको क्रॉस करते हैं तो 5 प्लस करते हैं, जब इससे पीछे हो तो 5 माइनस करते हैं। और हमेशा एंगल चेक किससे करते हैं, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से हम एंगल को चेक नहीं करते। आप लोगों ने याद रखना, इससे हम चेक नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हम जब भी चेक करते हैं किससे करते हैं, एक्स एक्सिस से। ये था हमारा आज छोटा सा आर्टिकल, डिटरमिनेशन ऑफ थीटा एंगल, जिसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से यानी क्लियरली आप लोगों को बताया गया। फर्स्टली आपको बताया गया फाई मेजर करना है, फिर फाई के बारे में थोड़ा बताया गया फाई होता क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया कि आर एक्स आर वाई पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जिस तरह भी हो वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। देन आप लोगों को बताया गया कि आप लोगों ने थीटा को किस तरह मेजर करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।